सिमरिया मार्ग साओं के पास धस चुकी है। भारी गड्ढा होने के चलते आवागमन अवरुद्ध है। भारी वाहन दोनों तरफ खड़े हुए हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग को सूचना दी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। रोड धसने के चलते कभी भी कोई बड़ी अनहोनी घटित हो सकती है। बताया जा रहा है कि उक्त मार्ग से भारी वाहन गुजरते हैं, जिसके चलते अगर सड़क धसी तो गंभीर घटना हो सकती है। इन दिनों बुरवा फॉल जाने वाले पर्यटकों की भी काफी भीड़ रहती है, जो फर्राटे मारते हुए उक्त मार्ग से गुजरते हैं। आपको दिखाते हैं सिमरिया रोड में रोड की क्या स्थिति हुई है और किस तरह से प्रशासन अपनी आंखें बंद किया है, शायद किसी गंभीर दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। ये बीना सिमरिया रोड मेन रोड का हाल है, जहाँ पे ये नहर है, नहर की पुलिया है और ये रोड कल शाम से धसी हुई है और यहाँ पे शायद ट्रैक का ट्रैक समा जाएगा, इतना जर्जर हो चुका है। पर अभी तक कोई भी प्रशासन और पुलिस नहीं, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई भी लोडिंग गाड़ी निकालने के लिए तैयार नहीं है। और ये नहर है, ये नहर का पुल है। यह कल कितने बजे से खराब है? ये कल करीबन 1 बजे से खराब हुआ है। इस तरह का गड्ढा हम लोग देखे हैं 1 बजे। 1 बजे से ही हम लोग इसका ताक झाक चालू कर दिए हैं, पत्थर उत्थर रखवाए हैं ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न घटे। ये गड्ढा समथिंग 5 फीट गहरा है, 5 फीट गहरा है। इसमें ऑटो और ये फोर व्हीलर वगैरह तो घुस ही जाएंगी। आप देख सकते हैं कितना गहरा गड्ढा है, नीचे ढोला दिख रहा नहर का, देख सकते हैं पूरा। अगर इसमें जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई ना हुई हमारी सरकार की तरफ से तो कुछ भी इसमें बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। एक सरकार ये भी देख लेगा थोड़ा साव पंचायत की झलक, ऐसे आवारा पशु साव पंचायत में घूम रहे पशु है यहाँ साव पंचायत पर। अभी फिलहाल मौके पर हम दिखाना चाहेंगे ये साव पंचायत का हाल, हजारों मवेशी है इस तरह। और ये गाड़ी लोडिंग कुछ इसी कारण भी खड़ी है, इसी के कारण कुछ खड़ी हुई है, यहाँ नहीं आ पा रही है, नहीं जा रही है। किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। इसे आप सब जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे अनुरोध है कि इसकी जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करवाएं, नहीं तो कोई बड़ा हादसा यहाँ पे होना ही होना है, निश्चित होना है। अभी तो दिन है, रात में तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पहले से भी होता था, पहले आज कम से कम नहीं तो इसका साल भर से यहाँ पे रोड दबी हुई है। हजारों लोग यहाँ से निकलते हैं, सब लोग निकलते हैं पर किसी ने नहीं ध्यान दिया। लेडीज जाती है और 2 पहिए से उधर जाती है, ये है तो 1 साल से, लेकिन इस तरह का गड्ढा अभी हुआ, अभी कल से हुआ है इस तरह का गड्ढा। और ये गड्ढा अगर नहीं पटवाया गया तो किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, ये कहना नामुमकिन है कि क्या हो जाएगा यहाँ। भाई मेन रोड है तो अभी घंटे 5 मिनट की रास्ता खाली नहीं रहती है, 1 मिनट भी रास्ता नहीं खाली रहती, जाम लग जाता है। ये गांव कौन सा है? ये साव गांव है, ग्राम साव है, पोस्टर्दी जिला रीवा, बीड़ा सिमरिया रोड है ये।